प्रणाम, नमस्ते एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। मैं सौरभ झा आपके लिए लेकर आया हूँ इस बार क्लास टेंथ के प्रोस सेक्शन के तीसरे प्रोस गिल्लू को, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। गाइस, इस प्रोस को हम गहराई से समझेंगे, लेकिन उससे पहले की इन्फॉर्मेशन आपके लिए। गाइस, हम लोगों ने प्रोस सेक्शन के साथ साथ ग्रामेटिकल पोर्शन की भी शुरुआत की है, और ग्रामेटिकल पोर्शन की शुरुआत हो चुकी है बेसिक्स से, तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट जाना चाहें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप सीधे लिंक पर टच करके उस वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे इस प्रोस सेक्शन के स्टार्टिंग दो प्रोसेस का भी वीडियो नीचे लिंक के द्वारा आपके लिए प्रस्तुत किया गया है, तो लिंक पर जाइए और वीडियोस को देखिए। तो गाइस, चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। लेट्स स्टार्ट। गिल्लू, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा एक ऐसा नाम है जिन्हें जानवरों से अक्सर लगाव रहा है, और इन्होंने और सारी कहानियाँ भी जानवरों को ध्यान में रखकर लिखी हैं। तो आज की कहानी भी एक जानवर के प्रेम के प्रति ही उनकी दास्तान है, जिसका नाम है गिल्लू। महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। महादेवी वर्मा एक ऐसी लेखिका थी जिन्हें बहुत सारे सम्मान से नवाजा गया, यहाँ तक कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया, और साथ ही साथ पद्मभूषण एवं उसके साथ साथ इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। तो चलिए अब चलते हैं चैप्टर की ओर और समझते हैं गिल्लू की कहानी को और इंटरेस्टिंग मोड में। गिल्लू, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एक ऐसा नाम है जिन्हें जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। उनकी कई सारी रचनाएँ भी जानवरों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, उनसे लगाव को दर्शाते हुए बनाई गई हैं। तो आज की वीडियो भी एक जानवर, एक गिलहरी की कहानी है जिसका नाम रहता है गिल्लू, और उसके प्रति लेखिका महोदया के प्रेम को दर्शाया गया है। चलिए समझते हैं उस कहानी को और उस इंटरेस्टिंग से कहानी का आपको भी पार्ट बताते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। महादेवी वर्मा मैम अपने रूम में थी, और कुछ सेकंड्स के बाद वो रूम से निकल के अपने बरामदे पे बैठ गई और चारों ओर वातावरण को निहार रही थी। और इसी निहारने के दौरान उनकी नज़र पड़ी दो कौओं पर, जो आपस में लड़ाई कर रहे थे, खेल रहे थे और एक दूसरे पर चोंच से अटैक कर रहे थे। शुरुआती समय में महादेवी वर्मा को लगा कि ये दोनों आपस में खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें गमले के पीछे कुछ पार्ट्स दिखे, कुछ शारीरिक पार्ट्स, तो उन्हें संदेह हुआ कि वहाँ पे कुछ और चीज़ें हो रही हैं, कुछ और घटनाक्रम हो रहा है जिन्हें वहाँ जाकर समझना चाहिए। तो महादेवी वर्मा उठ के पहुँची उस कौए के पास, दोनों कौए के पास। तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे एक अधमरी सी गिलहरी पड़ी हुई है, और वो गिलहरी बिल्कुल ही अपने शारीरिक रूप से स्थिर थी, उनके शरीर में कोई भी गति नहीं हो रही थी। उन्होंने जब ऐसे गिलहरी को पड़े हुए देखा तो उन्हें लगा कि इस गिलहरी के साथ कुछ ज़्यादा ही अन्याय हो रहा है। उन्होंने देखा कि कौवे जो हैं वो उसे अपने खाने बनाने के मूड में थे, और कुछ सेकंड्स में शायद उसे अपना, या कुछ मिनटों में उन्हें अपना खाना बना भी लेते। तो उन्होंने सोचा कि इसे शायद घर लेके चलना चाहिए और वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर जो सामने कुछ और लोग जमा हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे, उनका मानना था कि यह गिलहरी अब शायद नहीं बच पाएगी, और इसे घर लेके जाना या इसका फर्स्ट एड करना बेकार है। फिर भी महादेवी वर्मा जी ने ऐसा दूसरों की बातों को ध्यान में ना देते हुए उस गिलहरी को उठाया और उठा के उसे अपने घर की ओर ले गई। घर ले जाने के बाद गिल्लू का उन्होंने फर्स्ट एड किया, पेंसिलीन की मरहम उस पर लगाई, मरहम पट्टी की, उसके जख्मों को सुधारने की कोशिश की, और साथ ही साथ ये भी कोशिश की कि उसे कुछ खिलाया जाए। लेकिन घंटों की मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार थोड़ी सफलता मिली, और वो खिलाने में तो सफल नहीं हुई, लेकिन हाँ पिलाने में सफल हुई। क्या? एक बूंद पानी। एक बूंद पानी उसने बस पिया, लेकिन दिन जब गुजरा, दो तीन दिन बीते, तो वो बेहतर होते गया, और धीरे धीरे वो अपनी दोनों क्लॉज हाथ को उठाने लगा था, और धीरे धीरे उस हाथ से लेखिका के फिंगर्स को पकड़ने की स्थिति में आ चुका था, और धीरे धीरे वो और बेहतर हुआ। तीन चार महीनों के समय के बाद वो और बेहतर होते होते धमाचौकड़ी मचाने लगा था, पूरी तरह से ठीक हो चुका था, और यहाँ से वहाँ गुजरते रहता और उनके लेखिका के सामने बैठता, मस्ती करता, उनके सर पे चढ़ जाता, और सारी मस्तियाँ भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, और लेखिका का और गिल्लू का एक दूसरे के प्रति लगाव और बढ़ चुका था। तो इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग के कारण उस गिलहरी को एक नाम मिल चुका था, और वो नाम था गिल्लू। महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू के रहने की व्यवस्था की। उन्होंने एक वायर के सहारे एक फ्लावर बास्केट को लिया, और फ्लावर बास्केट को उस वायर के सहारे दरवाजे के सामने टांग दिया, और टांगने के साथ ही उस पर फूल्स के डिज़ाइन बने हुए थे, साथ ही साथ फूल के होते हुए चारों ओर उस पर वुड की एक लाइनिंग की हुई थी, और उसमें एक बेहतरीन सुगंध आती थी। गिल्लू
को ऐसी सुगंध बहुत पसंद थी, और साथ ही साथ जब गिद्ध वहाँ पर रहता तो उसे झूले की फीलिंग आती क्योंकि वो एक हंग मोड में था। और जब लाइटर महोदया कुछ लिखने बैठती थी तो ये गिल्लू को बिल्कुल पसंद नहीं होता था। कारण स्पष्ट था कि गिल्लू चाहता था कि ध्यान राइटर महोदया का उसकी ओर आकर्षित हो, और लिखने के दौरान राइटर महोदया लिखने पर फोकस रहती थी और गिल्लू को नहीं ध्यान देती थी। इस कारण गिल्लू को गुस्सा आता था और वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करवाने यानी अट्रैक्ट करवाने के लिए वो कुछ हरकतें करता था, जैसे उनके दोनों पंजे से खुद के दोनों पंजे से लाइटर को टच करना, उनके सर पे हाथ फेंकना और धमाचौकड़ी मचाना, साथ ही साथ पर्दों के पीछे छिप जाना, उसके पीछे से देखना। और इन सब के पीछे बस उसका एक ही कारण होता था कि इसी बहाने राइटर महोदया उसे पढ़ाई को छोड़कर, लिखने को छोड़कर उसके पीछे भागेंगी और उन्हें पकड़ेंगी। और होता भी ऐसा ही था, कुछ देर के बाद राइटर महोदया जाती, उन्हें पकड़ती और साथ में पकड़ के सामने एक इन्वेलप में डाल के रख लेती थी। उनके सारे पार्ट्स जो होते थे वो इन्वेलप में होते थे सिवाय आगे के दो पंजे और फेस के। गिल्लू उनसे बार बार उस पार्ट से वो बाहर की ओर उन्हें निहारते रहता, और कभी कभी जब ज़्यादा हो जाती तो वो अपने पंजों से उन्हें टच करता। कभी कभी गिल्लू घंटों तक वहाँ बैठे रहता और एक अजीब मुद्रा बना के, अजीब पोस्चर बना के, दीवार के सहारे लीन करते हुए, लटकते हुए वहाँ टेबल पर बैठा रहता और अपनी छोटी छोटी ब्लू आँख से वो राइटर महोदया को गौर से लिखते हुए देखता रहता था। गिल्लू जब भूखा होता तो वो चिक चिक करता, और चिक चिक करने का मतलब ये था कि उसे काजू और बिस्कुट मिल जाना चाहिए खाने के रूप में, और काजू और बिस्कुट उसका फेवरेट खाना था। तो चिक चिक करने के बाद राइटर महोदया उसे काजू और बिस्कुट दे देती थी। और साथ ही साथ क्या होता था, कभी कभी चिक चिक का एक और कारण ये भी था कि उसके सामने इस चिक चिक के कारण और सारी गिलहरियों का झुंड आता था जो बाहर गेट के बाहर जोन के बाहर मस्ती करता था, और वो बस खिड़की से उसे देखने में सक्षम था क्योंकि वो क्योंकि अंदर बंद था तो उसे बस बाहर से ही उनकी आवाज़ सुनाई देती थी और वो अंदर से ही उनसे कॉन्वर्सेशन करता था। जब राइटर महोदया ने ये देखा तो उन्हें लगा कि गिल्लू को भी बाहर जाने का अधिकार है, उसे भी फ्रीडम होनी चाहिए। तो उन्होंने अगले दिन गिल्लू को एक पार्ट को, गमले के एक पार्ट को, उस झूले के एक पार्ट को खोल दिया, और गिल्लू रोज सुबह उसके थ्रू उड़ के जाता, अपनी गिलहरियों के झुंड के साथ मस्ती करता, धमाचौकड़ी मचाता, एक नेता की तरह लीड करते हुए खेल में मग्न रहता, और शाम को फिर से वो वापस आता और राइटर महोदया के साथ बातचीत करते हुए, हंसते हुए अपने टाइम को पास करता और धमाचौकड़ी मचाता। तो धीरे धीरे ये डेली का रूटीन बन चुका था। रोज सुबह राइटर महोदया उठकर जल से ही ड्यूटी के लिए आगे निकलती, बाहर निकलती, गिल्लू भी उनके साथ निकल के पड़ता, दिन भर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता, और शाम में जैसे ही राइटर महोदया घर फिर वापस आती, गिल्लू भी उनके साथ वापस आता, रूम में घुसता, राइटर के कंधे पर बैठता, रोज़ की तरह अपने दोनों क्लॉज से उन्हें टच करता, उनके सर पर बैठता, धमाचौकड़ी मचाता, और फिर ये रोज की रूटीन ऐसे ही चलती रहती। हमारी राइटर महोदया के पास और भी जानवर थे और सारे जानवरों को भी उनसे बहुत लगाव था, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राइटर महोदया के प्लेट पर बैठ के खाना खा सके। लेकिन गिल्लू एक एक्सेप्शन था, वो एक अपवाद था। वो रोज़ आता था, रोज़ की तरह आता, उनके खाने के टाइम में उनके प्लेट्स पे बैठता, उनके खाने के साथ वो भी खाता, और प्लेट पे बैठकर ही खाता। बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद राइटर महोदया ने उसे अपने प्लेट से बगल बैठने सिखाया, और साथ ही साथ एक पीस को लेकर उसे खाने की आदत लगवाई, और ऐसे ही करके वो आगे खाते जाता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि उसे काजू अगर ना मिलता तो वो दूसरा खाना खाने से बिल्कुल इनकार कर देता था, एकदम गुस्सा हो जाता था, और अगर उसे काजू की जगह दूसरा खाना या बिस्कुट की जगह दूसरा खाना दिया जाता तो उसे वो गुस्से में इधर से उधर फेंक देता था, लेकिन उसे खाता नहीं था। देन कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि राइटर महोदया का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। गिल्लू रोज की तरह आता, लेकिन क्योंकि राइटर महोदया रूम में नहीं मिलती थी तो सुस्त होकर अजीब सी प्रतिक्रिया देते हुए वो फिर अपने घोंसले में जाके बैठ जाता था, और अगर कोई दूसरा उन्हें काजू खिलाने की कोशिश भी कर रहा था तो वो खाने के तैयार नहीं हो रहा था। जब बाद में राइटर महोदया हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद अपने घर आई तो उन्होंने देखा कि उसके नेस्ट में बहुत सारे काजू पड़े हुए हैं, और ये काजू ये सीधा एग्जाम्पल बता रहा था, सीधा डिस्क्राइब कर रहा था उस गिल्लू के प्रेम को जो उस काजू के रहने में दिख रहा था, क्योंकि जब तक राइटर महोदया वहाँ मौजूद नहीं थी गिल्लू ने काजू खाना भी गवारा नहीं समझा। फिर उस पीरियड में, जिस पीरियड में राइटर महोदया रिहैबिलिटेशन मोड में थी,
उपचार होने के बाद आराम की अवस्था में थी, उस समय गिल्लू एक नर्स की तरह उनकी देखभाल कर रहा था। वो उनके सर के बगल में बैठ जाता, अपने पंजों से आराम से सहलाता उन्हें और ऐसी केयर देता जो शायद नर्स ही दे सकती है। गर्मी के सीज़न में जब राइटर मोदिया काम निपटा रही होती थी, उस गर्मी में, बहुत गर्मी में, तो उस गर्मी में भी गिल्लू अपने ठंडे नेस्ट में नहीं बैठने के बजाय राइटर मोदिया के पास बैठता था, और उस गर्मी में भी उसने अपनी ठंडक खुद में ठंडक लाने का एक उपाय ढूंढ लिया था। उसने एक सुराही के ऊपर अपनी जगह बनाई, वहीं बैठता और वहाँ उसे ठंडक भी महसूस होती और वो राइटर के करीब भी रह के उन्हें निहार सकता था और उन्हें देखने के साथ साथ उनको अपने हाथों से स्पर्श भी कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली ये खुशियों का अंत भी आ चुका था, क्योंकि स्क्वायरल्स का लाइफ स्पैन सिर्फ 2 सालों का होता है और गिल्लू के भी 2 साल पूरे हो चुके थे, और 2 साल पूरा होने के बाद उसकी स्थिति भी आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुकी थी। और जब इस दिन वो अपनी आखिरी सांसें लेने वाला था, उससे पहली वाली रात को भी वो राइटर महोदया के पास आया और वो अपने नेस्ट से उतर कर उस पीड़ा के, उस पेन के सिचुएशन में भी वो नेस्ट से उतर कर राइटर महोदया के पास आया और अपने हाथों से, अपने पंजों से उनके सर को सहला रहा था। और जब वो हाथ राइटर महोदया के सर पे गए तो राइटर महोदया को यह एहसास हुआ कि ये हाथ रोज़ से ज़्यादा ठंडे लग रहे हैं। उन्हें लगा कि इसे शायद ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है या हाथ ठंडे हैं, यानी कोई बीमारी से पीड़ित है। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसे गर्मी दी जाए, उन्होंने हीटर चलाया और सारे साधन का उपयोग किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका हाथ गर्म नहीं हो पा रहा था। अगली सुबह एक ऐसा परिदृश्य सामने आया जो कोई नहीं देखना चाहता था। गिल्लू इस दुनिया से जा चुका था। गिल्लू के जाने के बाद उस झूले को भी वहाँ से हटा दिया गया जिस झूले पर गिल्लू रहता था, और साथ ही साथ उस वायर को भी बंद कर दिया गया जो स्पेशली जिस जगह को, और गिल्लू को उसी सोनजुहे के पेड़ के नीचे, उस सोनजुहे की लता के नीचे दफनाया गया, जिस लता और जिस फूल से, सोनजुहे के फूल से गिल्लू को बहुत लगाव था और उसकी सुगंध उसे बहुत पसंद थी। और उस लता के नीचे जब दफनाया गया तो राइटर महोदया रोज उस लता को गौर से घूरती रहती, देखती रहती, और इस उम्मीद में देखती कि कभी जब भी वसंत के सीजन में सोनजुहे का फूल खिलेगा तो वह उसमें अपने गिल्लू को पाएंगी। और इस सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ वो पूरे वसंत के सीजन का वेट करती और गिल्लू के आने का उस कली के रूप में इंतज़ार करती। तो गाइस, ये थी हमारी स्टोरी गिल्लू। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी, इंटरेस्टिंग और इमोशनल लगी होगी। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई और आप और सारी चैप्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी स्टोरीज को समझना चाहते हैं और रिलेटेड टॉपिक्स को समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पर अपने प्रीसियस कमेंट्स भी डालिए। और कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप कमेंट डालेंगे तो हम उस फीडबैक को अपनी ओर लेते हुए उस फीडबैक के अनुसार कुछ भी अगर त्रुटि रह रही है तो उसे सुधार कर आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर होकर उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें।